गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। गाड़ियों की वीडियो मैंने आपको बहुत सारी दिखाई है, कभी डेंटिंग, कभी पेंटिंग, कभी मैकेनिकल काम, कभी कुछ, कभी ड्राई क्लीनिंग, कभी बम्पर रिपेयरिंग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दबा के जितना हो सकता है अपने चैनल पर आपको दिखाई है। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है बम्पर रिपेयरिंग की गन किस तरीके से बनाई जाती है, जिससे कि अगर आपको भी कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े कि भाई मुझे प्लास्टिक वेल्डिंग करनी है, बम्पर रिपेयर करने हैं, तो कैसे गन बनाई जाती है, ताकि आप हमारी इस वीडियो को देखें और सीखें कि गन किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने ये शोकर का एक पाइप ले लिया है जिसको हम कटिंग कर रहे हैं, और पहले इसके अंदर का हिस्सा हमने बाहर निकाला, और निकालने के बाद तेल वेल सब हमने खाली करा, और अब ये पाइप हमने इस तरीके से काट लिया है। ये शुभम हमारा बंदा है जो इसको बना रहा है, और अब जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, कोई कंटेंट मिल नहीं पा रहा था। एक गाड़ी करी थी तो वो पूरी सही से हो नहीं पाई, तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी गन की वीडियो बना के दिखा दी जाए कि किस तरीके से हम तैयार करेंगे। और ये है वो एलिमेंट जो हम गन के अंदर लगाएंगे जिससे हीटिंग होती है और प्लास्टिक वेल्डिंग करी जाती है। प्लास्टिक वेल्डिंग की तार बोरी सामने, बाकी जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखा। बनाया है पेट्रोल का पाइप, यानी कि पाइप से इसके आगे लगा के इसको गन की तैयारी करी जाएगी, और बाकी अब इसको बंद करने के लिए हम चादर काट रहे हैं। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा बम्पर रिपेयरिंग गन का वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। अब ये चादर जो है इसको हम डबल करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करने के बाद फिर इसके अंदर वेल्डिंग करी जाएगी, उसमें उससे पहले इसमें पाइप लगा लिया जाएगा। तो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे दिखाता हूँ। और ये सारा आप काम देख रहे हैं प्लास्टिक वेल्डिंग की, बम्पर की गन किस तरीके से बनाई जाती है। तो गाइज इस बोर का मुंह बंद करने के लिए हमने वो हैवी वाली चादर ली है जो हम कहीं वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं, जैसे फर्श वगैरह फट जाता है, तो उस हैवी वाली चादर को हम गोल कटिंग करके फिर इसके अंदर हम वेल्डिंग कर देंगे, जिससे हमारा एक साइड ये बंद हो जाएगा। और बंद तो हमें एक साइड पीछे से भी करना है, दूसरी वाली साइड से भी, तो इधर से ही बंद हो जाएगा, उधर से बंद हो जाएगा। इसके अंदर हमारी नोजल आ जाएगी, वो जो वहाँ रखी हुई है सामने जो मैंने आपको दिखाई थी। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बस जानकारी बहुत मज़ेदार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और वीडियो को शेयर। हैंडल तो हमने कर दिया वेल्डिंग टिकली लगा के, यानी कि ऊपर से कवर पहना दिया। अब जो दूसरे वाला है उसके ऊपर टिकली लगाई जा रही है। पीछे कर लूँगा इधर। नहीं नहीं कोई नहीं, बस हो गया इसका। तो अब गाइस ये करी जा रही है वेल्डिंग, और वेल्डिंग के बाद इसके अंदर लग जाएगी एक नोब जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, और फिर पीछे से यहाँ से इसमें एयर जाएगी और उस नोब से निकलेगी और अंदर लग जाएगा एक एलिमेंट। एलिमेंट लगने के बाद एलिमेंट जब वायर से कनेक्ट करा जाएगा लाइट से, तो वो हीट होगा, लाल होगा, और कंप्रेसर की एयर जो है वो यहाँ से निकलेगी, तो ये जो है गर्म हवा फेंकना चालू कर देगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम इसको बना रहे हैं वैसे वैसे आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ियों का काम तो बहुत दिखाया, आज दिखा रहे हैं पैसे कमाने की मशीन कैसे बनाई जाती है। हाँ जी, फाइनली जो इसके ऊपर नलकी जो लगती है जिससे एयर जाती है, हालांकि तार तो बहुत छोटी रहती है, लेकिन जिनके लिए हम बना रहे हैं उन भैया ने कहा कि भैया हमारी नोजल थोड़ा लंबी रखना, जिससे हमें आगे तक हवा मारनी हो ये करना हो। तो मैंने कहा भाई जैसे आप कहोगे वैसे कर देंगे, तो हमने ये लंबी वाली नलकी इसके अंदर लगाई है। तो वो अपने हिसाब से इसको देखेंगे क्या करना है, हमारा काम था इसको तैयार करके देना, तो हम इसको कर रहे हैं तैयार। तो अब जब इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसके, ये गर्म है, और इसके अंदर भी एक पीछे होल करा जाएगा, नलकी लगाई जाएगी इसी तरीके से, जिससे इधर से हवा जाएगी और इससे बाहर निकलेगी। लेकिन जब यहाँ से जाएगी इस साइड से पीछे से तो ठंडी होगी, और जब वो इधर से निकल के जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी, जिससे प्लास्टिक वेल्डिंग हो जाती है। तो बस दिखाते हैं आपको इसका पूरा प्रोसेस, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज पत्ती अब इसके अंदर दूसरी वाली वेल्डिंग करी जा रही है, तो अब इसके अंदर इस तरीके से टाँके मारे जाएंगे, और थोड़े थोड़े टाँके मार के हम इसको रोक देंगे, और रोकने के बाद में फिर पीछे की तरफ से बत्ती से इसकी कटिंग भी कर देंगे।
आपको दिखाता हूँ सब कुछ, मगर थोड़ा जल्दी जल्दी। बस बस तो गाइज अब हमने इसके अंदर इधर से भी वेल्डिंग कर दी है, और ये जो है इधर से पत्ती लगाने के बाद अब इस साइड से हम गोल इसको काट देंगे ताकि हमारा एलिमेंट इसमें घुस जाए। तो अब ये बत्ती स्टार्ट हो चुकी है, अब इसके अंदर कटिंग करी जाएगी इस तरीके से, और इसको ओए 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 गर्म हवा आ रही है अंदर। हाँ तो फिलहाल से पकड़ो एक मिनट। तो गाइज मैंने इसको पहले हाथ से पकड़ा, लेकिन हाथ से पकड़ने के बाद में ये जो है गर्म हवा पीछे से फेंकने लगा, तो हाथ जलने का डर था, इसलिए मैंने भाई इसको प्लास से पकड़ा इधर से। और टाइम आप देख सकते हैं इस टाइम 6:30 बजने वाले हैं, नहीं 6 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं सॉरी। और इधर लगा हुआ राजा और सॉरी शुभम हमारा गन को तैयार करने में। मैं तो सोच रहा था एक साथ दो बना लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन इसने कहा भी फिलहाल एक ही बना लो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब ज़रा ये कट जाएगा, तब उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा जल्दी में, कहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गैस ये वाला तो वेल्डिंग कर दिया गया था, तैयार कर दिया, और नलकी बड़ी करने की वजह से थोड़ा एयर का प्रेशर काफ़ी धीरे निकल रहा है। अगर नलकी छोटी होती तो एयर का प्रेशर थोड़ा अच्छा निकलता, अगर वो जिनको हम गन देंगे वो अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, अगर उन्हें लगेगा इतने चलाना ठीक है वरना इसको काट देंगे। अब हमें वेल्डिंग करना है दूसरे वाला हिस्सा, तो अब इसकी वेल्डिंग करेंगे तो आपको दिखाते हैं, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। बस 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 झुका देना एक बार। तो इधर चालू हो रखी है, ये बड़ा वाला पार्ट होता है गन का, और ये होता है छोटा वाला पार्ट, यहाँ से मुट्ठा पकड़ा जाता है और यहाँ से एलिमेंट लगने के बाद वेल्डिंग चालू रहती है। तो अब इसको बंद पूरा वेल्ड करा जाएगा, उसके बाद इसको भी पीछे से काट दिया जाएगा जैसे हमने इसको काटा। ये गर्म हो रखा है, गर्म कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलो ये भी दिखाते हैं आपको, और मैं जैसे कि आपको बता ही रहा था कि बहुत दिनों से मतलब गाड़ी की प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि ठंड और टाइम की वजह से शाम तक जब गाड़ी अंधेरा हो जाता था, तो इसलिए जो मैंने सोचा क्यों ना बम्पर रिपेयर गन की वीडियो दिखाई जाए। तो गाइस जैसे दूसरी साइड यहाँ पर छोटा पाइप लगाया गया था, उसी तरीके से वहाँ पे बड़ा पाइप वेल्डिंग कर दिया गया, और नीचे से वापस प्लेट वैसी वेल्ड करी जा रही है जिस तरीके से हमने ये वाली करी थी। तो इस तरीके से गन बनाई जाती है, कार्बेट खर्च होता है, पाइप लगाया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको लास्ट में कहाँ तक पहुँचता है इसका गन का प्रोसेस। वेल्डिंग करी जा रही है और आवाज़ पुक पुक पुं पा पुं ऐसी आ रही है, घुमा घुमा के चारों तरफ से वेल्डिंग कर दी गई है। और ये हमारा हैंडल है, ये हमारा गन का हैंडल है पीछे वाला, और ये फ्रंट वाला जिसमें एलिमेंट लगता है। और मातंग बंदी बुढ़ापे का शरीर थोड़ा बहुत तेल गई, तो ये पीछे से गर्म करके इसको भी काटा जा रहा है, और फिर उसके बाद गर्म होने के बाद ये इस तरीके से कट जाएगा जैसे ये इधर से कटा हुआ है। ये रहा, आपको सब कुछ दिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं,
तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही। तो गाइस बम्पर वाली गन हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, बस अब रह गया इसके अंदर इस साइड और उस साइड और इस साइड चारों साइड होल करने। तो थोड़ा इसको मिलाया जाएगा ताकि आमने सामने जो होल है वो बराबर बराबर रहे। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार, फिर उसके बाद दिखाते हैं। और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, सॉरी रियर वाला है जो हैंडल है पकड़ने वाला, और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जिसके अंदर हम एलिमेंट डालेंगे। और इधर से गर्म हवा आएगी और इस साइड से बम्पर होगा रिपेयर। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको ये ज़रूर बताना। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला प्रोसेस। ये फेमस जगह वीडियो का वाली ओके। तो गाइस गन हमारी होगी कंप्लीट, और अब इसको इसमें हम लगाएंगे एलिमेंट, और एलिमेंट डालने के बाद में दिखा। इस तरीके से ये होता है हमारा बम्पर वाला एलिमेंट जो हम इस गन के अंदर डालेंगे यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद में जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसके अंदर से तार जाएगी इस तरीके से, और अंदर जाने के बाद ये इस साइड से ऐसे बाहर निकल जाएगी जैसे कि निकल गई है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से हो जाएगा इसमें सेट इस तरीके से, और इस तरीके से लगने के बाद में इधर से पीछे से हवा का प्रेशर लगाया जाएगा और आगे से रिपेयरिंग होगी। तो ये बम्पर रिपेयर मशीन किस तरीके से बनती है ये वाली वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अब अगर आपको भी बम्पर वाली गन बनानी है और पैसे कमाने हैं तो आप इस तरीके से अपने बम्पर की गन बना सकते हो। तो प्लास्टिक वेल्डिंग की गन आजकल जल्दी से मिलती नहीं है, लोहे वेल्डिंग हो जाएगा और एलुमिनियम वेल्डिंग हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो काम है ये सिर्फ प्लास्टिक वेल्डिंग वाले यानी बम्पर रिपेयरिंग वालों के पास ही मिलता है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई, अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।